हेलो एवरीवन, वेलकम टू सन्स हेयर फूड। चलिए आज बना लेते हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल फूले फूले भटूरे घर पर ही। बहुत सिंपल है इन्हें बनाना, बहुत इजी तरीके से बन जाते हैं, बहुत बहुत टेस्टी लगते हैं। बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं, बहुत बहुत टेस्टी लगते हैं। छोले की रेसिपी का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी। दो तरह के छोले ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड हैं, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत इंस्टेंट बनने वाले छोले की रेसिपी भी अपलोड है और हलवाई स्टाइल छोले की रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी, तो आप जाकर देख सकते हैं। बहुत बहुत टेस्टी बनते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं भटूरे फूले फूले। तो अब मैंने ले लिया है ये मैदा। मैदा की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने आधा किलो मैदा यूज़ की है। आप इसमें मैदा और आटा दोनों को मिक्स करके भी बना सकते हैं, गेहूँ का आटा इसके साथ मिक्स कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन हैं, दोनों से ही आप इस तरह से फूले फूले भटूरे बनाकर घर पर रेडी कर सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक छोटा चम्मच नमक, थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी, आधा चम्मच मैंने चीनी यूज़ किया है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं खाने वाला मीठा सोडा। मीठा वाला सोडा आता है खाने का, अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें आधा कटोरी दही यूज़ कर सकते हैं। दही को अच्छे से मिक्स कर लेना है साथ में इसके। मैंने इसमें खाने वाला मीठा सोडा यूज़ किया है, इससे भटूरे अच्छे से फूले फूले बनेंगे बहुत ही। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच ऑयल और इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे हमारे भटूरे बाहर से बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। तो इस तरह से इसमें थोड़ा सा मोइन डाला जाता है। अब इसको हमें अच्छे से आटे में मिक्स कर लेना है, मैदा में मिक्स कर लेना है अच्छे से। अब इसमें मैं ले रही हूँ थोड़ा सा गुनगुना पानी, तो गुनगुना पानी यूज़ करना है। थोड़ा सा पानी गर्म कर लें, विंटर्स में अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो थोड़ा सा गर्म पानी यूज़ करें, हल्का गुनगुना। तो इस तरह से अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल इसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे हम। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हमें अच्छे से गूँथ लेना है। एक साथ पानी ऐड ना करें क्योंकि पतला होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इसको इस तरह से गूंथ कर रेडी करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इस तरह से अभी इसको रेडी कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच ऑयल और ऊपर से इस तरह से, और इसको हमें अभी इस तरह से थोड़ा सा और गूंथ लेना है। अब इसको हम कुछ देर के लिए कवर करके रख देंगे। आप चाहे तो डायरेक्टली इंस्टेंट भी बना सकते हैं इनको, लेकिन आप अगर इन्हें थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, दो को थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, तो बहुत अच्छे से फूले फूले भटूरे हमारे बनकर तैयार होंगे। वैसे तो मैदा को आप जितना ज़्यादा देर रेस्ट करने के लिए रख सकते हैं भटूरे की, वो उतने ही अच्छे बनते हैं, लेकिन ये इंस्टेंट बना रहे हैं हम, तो इसलिए इसे 10 से 15 मिनट के लिए ही हम कवर करके रखेंगे। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। दो हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। अब इसको हम इस तरह से एक बार थोड़ा सा और गूंथ लेंगे। दो हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम भटूरे बनाना शुरू करेंगे। तो हम पहले लेंगे थोड़ा सा लोई, इसमें इस तरह से इसको तोड़कर हम इसकी लोई निकालेंगे। इस तरह से दबा के हमें इसको इस तरह से एक लोई इसकी बनाकर रेडी कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से निकल कर आ गया है ये, और इसको अब हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर इस तरह से, और थोड़ा हम बेलन पर भी ऑयल लगा लेंगे और इसको इस तरह से बेलना शुरू करेंगे। मैं इसको पहले अंडाकार शेप में बनाकर रेडी कर रही हूँ। आप चाहे तो डायरेक्टली इन्हें गोल शेप में भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। अब इसको हम डीप फ्राई करेंगे। तो मैंने 5 मिनट पहले ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। इसमें हम थोड़ा सा आटा इसमें डालकर देखेंगे इस तरह से भटूरे का, और
ये देखिए इस तरह से फूलकर ऊपर आ रहा है, तो तेल हमारा अच्छे से गर्म है। इसे बाहर निकाल लेंगे छलनी की हेल्प से और फिर हम इसमें भटूरे अपने ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे ही हम इसे ऑयल में डालेंगे थोड़ी देर बाद ही ये अच्छे से फूलना शुरू हो जाएगा खुद ही। ये देखिए इस तरह से ये थोड़ी देर में ही फूलना शुरू हो गया है और बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली फूलकर रेडी हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए खुद ही इस तरह से अच्छे से पूरी तरह से फूल चुका है और अब इसे हम दूसरी तरफ से पलटकर भी पका लेंगे। अच्छे से थोड़ा इसके किनारे भी बहुत अच्छे से पकने चाहिए, तो इस तरह से थोड़ा सा ऑयल इसके किनारों पर भी डाल लेंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा डार्क कलर में भी पका सकते हैं। इस तरह से ये दोनों तरफ से अच्छे से पकने के बाद, अच्छे से फूलने के बाद, तो अब इसको हम छलनी की हेल्प से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल परफेक्टली फूला फूला और बहुत ही सॉफ्ट और बाहर से एकदम क्रिस्पी भटूरा बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसको गोल शेप में भी बनाकर रेडी कर लेंगे इस तरह से, जिस तरह से हलवाई गोल शेप में बनाकर रेडी करते हैं, इस तरह की शेप भी आप ईजिली बनाकर रेडी कर सकते हैं। ये भी इसी तरह से फूल कर रेडी हो गया है ये देखिए, और इसका कलर भी एकदम परफेक्ट आया है, जैसे हलवाई की शॉप में होता है इस तरह का ही एकदम परफेक्ट शेप आई है इसकी और परफेक्ट ही कलर आया है ऊपर। आप जैसे चाहे उसी शेप में तैयार कर सकते हैं। रेडी है ये भी बिल्कुल, और अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से अब हम बाकी को भी बनाकर रेडी कर लेंगे। मैंने सभी को अंडाकार शेप में बनाकर रेडी किया है, बच्चों को ये शेप ज़्यादा पसंद आई, तो इस तरह से आप सभी को बनाकर रेडी कर सकते हैं। गोल शेप या फिर अंडाकार शेप, जो भी शेप देना चाहे आप दे सकते हैं। अब इसे हम सर्व कर लेंगे छोले के साथ। छोले की रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत बहुत टेस्टी लगते हैं और ये कॉम्बिनेशन तो सभी को बहुत बहुत पसंद आता है। आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी टाइम भी बनाकर रेडी कर सकते हैं, तो ट्राई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।